हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। हमने पहले ही कास्टिंग और वेल्डिंग के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं SSC JEE में प्रीवियस ईयर्स में, वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मशीनिंग के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं SSC JEE में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 73, रीमिंग इज ऑपरेशन ऑफ। रीमिंग ऑपरेशन है किस तरह का? इनलार्जिंग द एंड ऑफ होल सिलेंड्रिकली। नहीं, गलत जवाब। कोल शेप्ड इनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल। गलत जवाब। स्मूदिंग एंड स्क्वायरिंग सरफेस अराउंड अ होल। गलत जवाब। सही जवाब है साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल। साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल सही जवाब है हमारा, ऑप्शन डी। 74, अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको प्लेन इंडेक्सिंग। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंडेक्सिंग। तीसरा ऑप्शन डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। चौथा कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो इसका सही जवाब होगा प्लेन इंडेक्सिंग। प्लेन इंडेक्सिंग की सहायता से हम लोग मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इन ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज। ऑप्शन ए है कोर्सर ग्रेन साइज इज यूज, फाइन ग्रेन साइज इज यूज, मीडियम ग्रेन साइज एंड एनी ग्रेन साइज मे बी यूज। तो इसका सही जवाब तो वैसे होगा एनी ग्रेन साइज, जो कि ऑप्शन डी में है। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको। ओके, जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो अगर मटेरियल हार्ड है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं सॉफ्ट एब्रेजिव। ओके, और अगर हमारा जो वर्कपीस ही हमारा सॉफ्ट है तो हम लोग यूज करते हैं हार्ड एब्रेजिव्स। ओके, जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें एब्रेजिव्स लगे होते हैं, उसी से ग्राइंडिंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर हमारा मटेरियल हार्ड है और हार्ड की जगह हमने हार्ड ही यूज कर लिया तो क्या होगा? हार्ड का मतलब रेजिस्टेंस टू सरफेस स्क्रैच या सरफेस इंडेंटेशन। मतलब अगर आप सरफेस को खुरचना चाहें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हार्ड एब्रेजिव से बना हुआ हमारा ग्राइंडिंग व्हील तो क्या करेगा, हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड मटेरियल का जो एब्रेजिव जो होंगे, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेजिव जो होंगे सबसे ऊपर वाले, वो क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे मटेरियल को ग्राइंड करेंगे। लेकिन जब ऊपर वाले जो एब्रेजिव्स हैं वो घिस जाएंगे, कुछ समय बाद वो घिस जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट एब्रेजिव का लेयर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हार्ड है तो आसानी से दूसरा लेयर नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब इंडेंटेशन स्क्रैच नहीं दे पाएगा उस पर, जो हमारा वर्कपीस है वो उसको स्क्रैच कर ही नहीं पाएगा कि नया एब्रेजिव आए का। मतलब घिसा हुआ व्हील ही घूमता रहेगा जिससे कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, हार्ड मटेरियल अगर हो वर्कपीस तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट एब्रेजिव यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम लोग ग्राइंडिंग करना शुरू करेंगे तो जो ऊपर वाले एब्रेजिव्स होंगे वो सबसे पहले ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे जो वर्कपीस होगा उसको आसानी से ग्राइंड कर पाएंगे। और उसके बाद से कुछ देर बाद से सॉफ्ट होने के कारण ऊपर वाला लेयर जो होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद से नए लेयर आ जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट एब्रेजिव से बना हुआ व्हील है। मतलब जो बॉन्डिंग है एब्रेजिव्स की, बॉन्डिंग वो सॉफ्ट है, आसानी से नए एब्रेजिव्स आ जाएंगे और
फिर से ग्राइंडिंग हमारा ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा, अगर हार्ड की जगह हमने सॉफ्ट यूज कर लिया जहाँ पे भी, तो क्या होगा? सॉफ्ट यूज कर लिया तो सॉफ्ट मटेरियल को सॉफ्ट वाला ऊपर वाला पोर्शन घिस देगा, कोई बात नहीं है, बढ़िया घिस देगा। लेकिन सॉफ्ट वाला घिसने के बाद ऐसा होगा कि एब्रेजिस जो होगा, घिस तो देगा कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉफ्ट होने के कारण, जो हमारा बॉन्डिंग है उसका सॉफ्ट होने के कारण क्या होगा कि अभी हमारे एब्रेजिस घिसे ही नहीं है, तभी नया लेयर आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से वेस्ट ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है, तो जो कि जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट नहीं यूज़ करते, सॉफ्ट के लिए हार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट अगर वर्कपीस है तो हार्ड उसको आसानी से ग्राइंड कर पाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद है ये समझ आएगा पॉइंट आपको। ये हमसे वाइवा में पूछा गया था एक बार, और वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए इसको। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन अ लेथ, इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय रनिंग द शाफ्ट एट लो स्पीड, यूजिंग हाई स्पीड, यूजिंग स्टडी मशीन, यूजिंग स्टडी रेस्ट। इसका सही जवाब होगा यूजिंग स्टडी रेस्ट। जैसे क्या होगा, हम लॉन्ग शाफ्ट अगर यूज करते हैं हम लोग बेंडिंग टर्निंग पे, टर्निंग कर रहे हैं लेते हैं हम लोग, और लॉन्ग शाफ्ट यूज करते हैं तो उसकी बेंडिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 77, द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ए ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड ट्रूइंग, ड्रेसिंग, अलाइनिंग, बैलेंसिंग। इसका सही जवाब होगा ड्रेसिंग। जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील के एवरेजेस घिस जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग शार्पनिंग करते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं कि नए लेयर्स आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो बॉन्डिंग मटेरियल होता है उसको हम लोग निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है वापस एब्रेजिस हमारे इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो फिर से किसी मटेरियल को ग्राउंड करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल द स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम। का मतलब हुआ, ये लेथ पर परफॉर्म किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन में जो स्पीड होता है स्पिंडल का वो मिनिमम होता है। तो याद रखेंगे, मिनिमम स्पिंडल स्पीड इन केस ऑफ थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग में मिनिमम स्पिंडल स्पीड होता है। नेक्स्ट 79, फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैंप्ड ऑन ए। अगर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग का मतलब छेद करना, अगर होल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो भी वर्कपीस है उसको हम लोग क्लैंप करना चाहिए, उसको क्लैंप करना चाहिए। सिलिंड्रिकल जॉब्स है हमारा, मतलब वर्कपीस है, उसको क्लैंप करना चाहिए किस तरह के इक्विपमेंट में, कलेक्ट में, सॉकेट में, जॉ में, भी ब्लॉक में। तो इसका सही जवाब है भी ब्लॉक में। भी ब्लॉक में कलेक्ट करने से क्या होगा कि आसानी से परफेक्टली ये जम जाएगा और आसानी से छूटेगा नहीं, मतलब इधर उधर नहीं होगा, गिर नहीं पाएगा, परफेक्ट क्लैंपिंग होगी, इसलिए हम लोग वी ब्लॉक का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें कि हम लोग ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, जैसे शेपर में यूज किया जाता है, प्लानर में भी यूज किया जाता है, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं शेपिंग का, ठीक है, वो धीरे धीरे होता है, और जब रिटर्न आता है वापस हमारा टूल, वो तेजी से आता है, तेजी से क्विकली आता है, इसलिए इसका नाम है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विकली रिटर्न होता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर का मतलब जरूरत नहीं होती है। स्लॉटर में ऑफकोर्स होती है, प्लानर में भी होती है, सेपर में भी होती है। करेक्ट जवाब है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या होता है, ब्रोचिंग भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग होल को इनलार्ज कर सकते हैं, अगर इंटरनल होल उसको इनलार्ज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, होल सर्कुलर भी हो सकता है और किसी और शेप का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ही कर सकते हैं हम इससे। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके अलावा हम कीवे बना सकते हैं इसे, ब्रोचिंग से, ब्रोचिंग प्रोसेस से ऐसे होता है, इस पे थ्रेड्स बने होते हैं।
ओके, तो इसकी सहायता हम क्या करते हैं, इंटरनल होल को, इंटरनल होल होगा और इसको घुमाएंगे तो इंटरनल होल को क्या होगा, इसको घुमाते हैं या फिर वर्कपीस को भी घुमा सकते हैं, किसी को घुमाएंगे। इंटरनल होल को हम इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, की भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को बोलते हैं ब्रोचिंग ऑपरेशन। सिमिलर है थ्रेड चेजिंग के, लेकिन थ्रेड चेजिंग और ब्रोचिंग में डिफरेंस क्या है, थ्रेड चेजिंग कैन प्रोड्यूस ओनली एक्सटर्नल थ्रेड्स, केवल एक्सटर्नल थ्रेड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ब्रोचिंग है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के ही थ्रेड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जनरली उसको लोग इंटरनल होल को इनलार्ज करने में यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जरूरत नहीं होती है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ब्रोचिंग। 81, मिलिंग मशीन मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ, का मतलब मिलिंग ऑपरेशन हो सकता है, मतलब उसको क्लासिफाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल टाइप में या फिर वर्टिकल टाइप में, ये किस आधार पे किया जाता है, किसके पोजीशन के आधार पे किया जाता है। ऑप्शन ए स्पिंडल, बी वर्कपीस, सी मिलिंग कटर, डी वर्क टेबल और बेल्ट। तो वर्कपीस होगा नहीं, मिलिंग कटर होगा नहीं, वर्क टेबल नहीं, वर्क टेबल वर्टिकल तो शायद ही होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। सही जवाब है स्पिंडल। स्पिंडल की पोजीशन वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, उसके आधार पर हम इसको मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग मशीन को हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन या वर्टिकल मिलिंग मशीन के रूप में क्लासिफाई करते हैं। 82, कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। कंटिन्यूस चिप्स का फॉर्मेशन होता है कब, जब हम मशीन करते हैं, किस तरह के मटेरियल को, डक्टाइल मटेरियल को, ब्रिटल मटेरियल को या फिर हीट ट्रीटेड मटेरियल को या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी डक्टाइल मटेरियल को। डक्टाइल मटेरियल को जब हम मशीनिंग करते हैं तो कंटिन्यूस चिप मिलता है हमें, और अगर हम ब्रिटल मटेरियल को मशीन करते हैं तो हमें डिसकंटिन्यूस चिप मिलता है। अच्छा डिसकंटिन्यूस मतलब क्या होगा, मतलब थोड़ी सी मशीनिंग होगी फिर चिप टूट जाएगा, तो छोटे 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 चिप मिलेंगे, जबकि जो डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो मशीनिंग करने पे चिप जो होगा वो टूटेगा नहीं, लंबा सा चिप निकलेगा, लंबा सा स्ट्रिप ऑफ चिप निकलेगा, जिसे हम लोग कंटिन्यूस चिप बोलते हैं। तो जनरली वो डक्टाइल मटेरियल चूंकि टूटता नहीं है तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग पे कंटिन्यूस चिप मिलता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल। 83, साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाई, शेपर का साइज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किससे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, साइज ऑफ टेबल, मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड टू रिटर्न स्ट्रोक। साइज ऑफ टेबल होगा नहीं, हमें शेपर का साइज करना है, हमें शेपर का साइज क्या है, कितना शेप कर सकता है, तो जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक का मतलब कितना लेंथ, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना लेंथ तक जा रहा है और वापस रिटर्न स्ट्रोक में उतना ही आएगा, जाहिर सी बात है, तो जितनी लेंथ तक जाएगा उसी से हम लोग साइज ऑफ द शेपर को स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ओके नेक्स्ट, 84, द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल्स। इसका जवाब आप लोग बता सकते हैं आसानी से, जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल्स की मशीनिंग करते हैं तो हमें मिलता है कंटिन्यूस चिप, ऑप्शन ए। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ, का मतलब टूल लाइफ पे जिन पैरामीटर्स का प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, फिर उससे कम प्रभाव किसका पड़ रहा है, फिर उससे कम प्रभाव किसका पड़ रहा है, और तीनों जो पैरामीटर दिए गए हैं वो है फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट और फिर है कटिंग स्पीड। तो जो हमारा टूल लाइफ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है कटिंग स्पीड से, मतलब एक नंबर में तो हो जाएगा कटिंग स्पीड, और कटिंग स्पीड के बाद से फीड रेट होता है। फीड रेट मतलब फीड रेट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सिंगल साइकिल,
एक बार जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है रोटेशन ऑफ वर्क पीस, तो हमारा वर्क पीस जो है वो कितना आगे बढ़ जाता है, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को भी मशीन कर पाए। उसे हम लोग बोलते हैं फीड रेट। तो फीड रेट भी इम्पेक्ट करता है टूल लाइफ को। डेप्थ ऑफ कट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है टूल लाइफ को। और अगर हम लोग डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो टूल होगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं, उसकी लाइफ जो होगी कम होगी, और वो तुरंत खराब, मतलब कम खराब, जल्दी खराब हो जाएगा। ओके, कम देर तक चलेगा। जबकि अगर हम लोग डेप्थ ऑफ कट जो होता है वो कम देते हैं, तो हमारा टूल लाइफ जो होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इसका सही ऑर्डर जो मुझे दिख रहा है मेरे अनुसार, ऑप्शन में दिया हुआ तीन, तीन तो होगा, तीन होगा तो ए और सी नहीं होगा, बच गया डी और बी। तो फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। इन टेपर ट्रेनिंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब आर डी एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टेपर एंगल इफ द जॉब लेंथ इज एल। तो इसका वैसे तो सही जवाब होगा ए, पर कैसे होगा आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने बना रखा है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा जो है ये टेपर टर्निंग करते हैं, क्या टेपर टर्निंग करते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको टेपर्ड है। ओके, ये वाला पोर्शन हमारा टेपर्ड है। अब इस टेपर्ड में दो चीज़ है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक डी वन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल डी है, मतलब बड़ा वाला डायमीटर है, और दूसरा ये वाला डायमीटर है, मतलब डी टू है। क्वेश्चन में ये स्मॉल डी से दिखाया गया है, तो डी वन और डी टू दिखाए गए हैं, दो डायमीटर्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दूँ, ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन खींच दूँ, तो अगर ये वाला डी टू है तो ये भी तो डी टू ही होगा, डी टू होगा। मान लेते हैं ये वाला जो बचा पोर्शन है एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, बराबर पोर्शन बचा होगा। और ये जो एंगल दिख रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो हम लोग पाएंगे d1 इज इक्वल टू d2 प्लस 2x। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, d1 ये वाला बराबर है किसके, d2 प्लस x प्लस x का मतलब 2x। तो d1 बराबर है d2 प्लस 2x, तो यहाँ से x निकालेंगे तो d1 माइनस d2 बाई 2। नाउ अगर tan अल्फा बाई 2 निकालें, ये वाली एंगल अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2 निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अर्थात एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। ओके, एक्स अपॉन एल होगा। अब एक्स की वैल्यू तो हमको पता है, कितनी एक्स की वैल्यू, डी वन माइनस डी टू बाई टू। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, डी वन माइनस डी टू बाई टू, और एक L पहले से था इसलिए 2L हो गया, है कि नहीं, L पहले से था इसलिए 2L हो गया। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमको मिल गया फिलहाल tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई d1 माइनस d2 बाई 2L। यहाँ से अगर हम केवल अल्फा निकालें तो tan इधर आएगा और हो जाएगा टेन इन्वर्स और अल्फा बाई 2 था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टेन इन्वर्स d1 माइनस d2 बाई 2L, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
210 इनवर्स डी वन माइनस डी टू अपन 2l, यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं जो क्वेश्चन था हमारा। टू टेन इनवर्स डी वन माइनस डी टू जो कि यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी से है अपन 2l, तो 86 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नाउ 87, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम का एक और नाम क्या है, मतलब इसे किस और नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कटिंग सिस्टम, मतलब ऑप्शन बी, टू डायमेंशनल कटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शेपर मेटल इज रिमूव्ड यूजिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक ओनली, रिटर्न स्ट्रोक ओनली, बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, नीदर द फॉरवर्ड स्ट्रोक नॉर द रिटर्न स्ट्रोक, 88। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम लोग शेपर में एक कंप्लीट स्ट्रोक जो हम लोग करते हैं उसमें दो स्ट्रोक होते हैं, एक तो फॉरवर्ड स्ट्रोक और दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक। तो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, मैंने पहले ही बताया था, उससे हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव करते हैं, रिटर्न स्ट्रोक खाली आता है लेकिन तेजी में आता है, और फीड जो देते हैं वो रिटर्न स्ट्रोक के समय ही देते हैं। तो जो मटेरियल रिमूव होता है शेपर प्रोसेस के दौरान वो केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ही रिमूव होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 89, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किसमें लगाया जाता है? तो लेथ में नहीं होता है बिल्कुल, ड्रिलिंग में भी नहीं होता है, मिलिंग में भी नहीं होता है। सही जवाब है शेपिंग मशीन, शेपिंग में और प्लानर मशीन में, इन सब में हम लोग ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म लगाते हैं। किसके लिए? रेसिप्रोकेशन मोशन देने के लिए। एक उसमें फीड रेट भी दिया जाता है वर्कपीस को, तो वो जो फीड रेट दिया जाता है वो हम लोग पॉ एंड रेचेट एक अरेंजमेंट होता है उसकी सहायता से देते हैं, याद रखना है बस आपको नाम, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म से देते हैं रेसिप्रोकेशन, और पॉ एंड रेचेट से देते हैं फीड रेट। नेक्स्ट, फॉर विच मशीन अ वेरी लार्ज स्पीड रेंज रिक्वायर्ड, किस तरह के मशीन के लिए हमें लार्ज स्पीड रेंज दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि ग्राइंडिंग करते वक्त हमें बहुत ही स्पीड की वेरिएशन की आवश्यकता पड़ती है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, इसलिए उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन पता है, विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर, क्रेटर वियर निम्नलिखित में से किस पार्ट का होता है कटिंग टूल का जनरली? तो जनरली फेस का होता है क्रेटर वियर, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 92, द साइज ऑफ अ शेपर इज स्पेसिफाइड बाई, अच्छा शेपर का साइज हम किससे स्पेसिफाई करते हैं? ग्रॉस वेट ऑफ मशीन, गलत जवाब। सरफेस एरिया दैट कैन बी मशीन इन वन आवर, गलत जवाब। क्विक रिटर्न रेशियो, गलत जवाब। मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ कटिंग टूल, हाँ ये सही है, और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ कटिंग टूल है यही फॉरवर्ड स्ट्रोक का लेंथ है, पीछे एक क्वेश्चन आया था स्ट्रोक लेंथ, तो इसी से हम लोग शेपर के साइज को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट 93, रेलवे रेल्स आर जनरली मेड ऑफ, रेलवे रेल्स जो होते हैं वो जनरली किससे बने होते हैं? मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9% कार्बन, या फिर डी माइल्ड स्टील। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलॉय स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9% कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इन केस ऑफ स्लॉटिंग मशीन द कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन, जैसे कि हमने शेपर में बताया था कि जो शेपिंग ऑपरेशन होता है वो केवल और केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही परफॉर्म किया जाता है, वैसे ही जो स्लॉटिंग मशीन होती है, उसमें कटिंग एक्शन होता है वो केवल और केवल डाउनवर्ड स्ट्रोक में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा,
ओनली डाउनवर्ड स्ट्रोक. नेक्स्ट 95, इन ए ड्रिल ऑपरेशन टॉर्क इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स. ड्रिल ऑपरेशन हम लोग समझते हैं, मतलब हम लोग होल प्रोड्यूस करते हैं ड्रिल ऑपरेशन में. तो ऑप्शन देखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एक्सियल फोर्स, टॉर्क इज मोर देन एक्सियल फोर्स, टॉर्क इज लेस देन एक्सियल फोर्स, और टॉर्क इज हाफ द एक्सियल फोर्स. देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो टर्निंग रोटेटिंग टेंडेंसी होती है. ओके, ये एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, तो फोर्स लगाने पे, जनरली हम शियर फोर्स लगाते हैं तभी ऐसा होता है, शियर फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसकी टेंडेंसी जो घूमने की है, रोटेट होने की है, इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क. एक्सियल फोर्स क्या होता है, जो इसके एक्सिस के लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग लगता है, एक्सियल फोर्स. तो जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो दो तरह के फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग ड्रिल करते हैं तो दो तरह के फोर्स लगाते हैं, एक तो फोर्स एक्सियल होता है और दूसरा होता है टॉर्क. थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग. ये हमने मान लेते हैं ड्रिल मशीन बना दिया, ठीक है. तो इसमें दो तरह के फोर्स लग रहे होते हैं, एक तो लग रहा होता है ये ऊपर से ये फोर्स, और दूसरा इसको हम घुमा भी रहे होते हैं. तो ये है टॉर्क और ये है एक्सियल फोर्स एफ. तो इसमें पूछ रहा है कि ड्रिल ऑपरेशन में टॉर्क और एक्सियल फोर्स में क्या रिलेशन होता है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा है. तो देखिए इसका सही जवाब तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि टॉर्क जो होता है हमेशा कम होता है एक्सियल फोर्स से. हम लोग फोर्स ज़्यादा लगाए रहते हैं एज कम्पेयर टू टॉर्क, ठीक है, तभी वो नीचे बढ़ पाएगा. अगर हम लोग टॉर्क को ज़्यादा कर दें तो घूमता ही रहेगा, एक्सियल फोर्स के अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो घूमता ही रहेगा और नीचे वो जा नहीं पाएगा. ओके, तो हम लोग जनरली टॉर्क कम रहता है एक्सियल फोर्स से, इसको ध्यान रखें हम लोग. 96, लेथ बेड इज मेड ऑफ. जो लेथ बेड होता है, मतलब लेथ मशीन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे माउंटेड होते हैं उस पर, तो वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील और माइंड स्टील. तो जनरली वो कास्ट आयरन का बना होता है ताकि वो आसानी से वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर पाए. ओके, नेक्स्ट, व्हाइल यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल्स ऑन लेथ, हाई स्पीड स्टील टूल्स ऑन लेथ, द स्पीड ऑफ चक विल बी लोवेस्ट व्हाइल मशीनिंग. 97, तो अगर हम लोग हाई स्पीड स्टील का टूल यूज करते हैं लेथ पर, किसी लेथ मशीन पर हम लोग हाई स्पीड स्टील के टूल का यूज करते हैं, तो इसका चक जो होता है, जो घूमता रहता है, वो स्पीड लोवेस्ट होगा कब, जब हम किस मटेरियल को मशीनिंग कर रहे होंगे. ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कास्ट आयरन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोवेस्ट स्पीड तब होगा जब हम लोग एल्यूमिनियम को मशीनिंग कर रहे होंगे. क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो एक ईजली मशीनेबल एलिमेंट है, जिसकी मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी तीनों ऑप्शन, कॉपर, ब्रास एंड कास्ट आयरन. तो अगर उसको आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं का मतलब कम फोर्स की रिक्वायर्ड है, तो स्पीड जो चक का होता है जनरली लोवेस्ट होता है इन सभी दिए हुए एलिमेंट्स में. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो लगाया हुआ है पेन से लगाया हुआ है कास्ट आयरन, ये गलत है. ओके, 98, व्हेन टर्निंग माइल्ड स्टील इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट रिमेन कॉन्स्टेंट, द कटिंग फोर्स विल बी मिनिमम इफ डेप्थ ऑफ कट इज. का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम माइल्ड स्टील की टर्निंग कर रहे हैं, माइल्ड स्टील को अगर टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन होता है जिसमें लोग मटेरियल को जो होता है हटाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब जो कट सेक्शन है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कॉन्स्टेंट ही रहे तो कटिंग फोर्स मिनिमम कब होगा, कटिंग फोर्स मिनिमम कब होगा यदि डेप्थ ऑफ कट कैसा हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू
फीड पर रेवोल्यूशन, 1.5 टाइम द फीड पर रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी दिया गया है 2 टाइम्स द फीड पर रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी दिया गया हाफ द फीड पर रेवोल्यूशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसको याद रखेंगे। ऐसे इसका फॉर्मूला है पर मेरे हिसाब से उसको जानने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी याद रखेंगे इसको। एरिया का कॉन्स्टेंट है तो डेप्थ ऑफ कट जो होता है हमारा आधा रहता है, आधा हो जाता है कटिंग फोर्स मिनिमम करने के लिए। 99 द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्विजिट ऑफ अ कटिंग टूल मटेरियल इज, अगर कोई हम लोग कटिंग टूल बना रहे हैं जो भी मटेरियल है कटिंग टूल का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिक्विजिट है वो क्या है। ऑप्शन ए कार्बन परसेंटेज, बी परसेंटेज ऑफ एलोइंग एलिमेंट, सी रेड हॉट हार्डनेस और डी इजी फैब्रिकेशन। देखिए कार्बन परसेंटेज बेशक इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कहा जाए तो नहीं है। परसेंटेज ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स बेशक इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, रेड हॉट हार्डनेस हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग किसी टूल से काम करते हैं, जाहिर सी बात है जितने भी मशीनिंग ऑपरेशन हैं फ्रिक्शन से होते हैं काम, जितने भी कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से, तो ऐसे में क्या होता है कि टूल जो होता है वो वर्कपीस से रगड़ खा खा के बहुत ही जल्दी रेड हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। और इस गर्म वाले कंडीशन में अगर वो अपने स्टेबिलिटी अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बनाए रखता है, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को आपस में जोड़े रखता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, आगे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको हम लोग करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत मुझे लगता है लंबा हो चुका है, लंबा नहीं हुआ है लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और अगले लेक्चर में करेंगे, छोटे छोटे चंक्स रहते हैं तो सही रहते हैं। ओके सॉरी, लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सजेशंस टू इम्प्रूव द लेक्चर विल बी वेलकम्ड, किसी भी तरह का सलाह देना चाहते हैं आप जैसे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए लेक्चर में तो स्वागत है उसका। ओके तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा लेक्चर, ये तो पढ़ते रहिए अच्छे से, ख्याल रखिए अपना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।